दोस्तों हम बात करेंगे आज नया सब्जेक्ट हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत की क्या हालत थी। तो बेसिकली इसके जानने से पहले थोड़ा सा हम जाएंगे हिस्ट्री में। जो ये लेक्चर हमारे हिस्ट्री पे होगा, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन अभी देखना ज़रूरी होगा क्या क्या हुआ था और बेसिक रीजंस क्या थे जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी हमारी स्लो चल रही थी बिफोर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दोस्तों हुआ क्या था कि हमारा 16th century में ये लोग आए थे, जो हमारे ब्रिटिश थे 16th century में हमारे यहाँ आ गए थे, और 1598 और 99 में हमारी एलिजा क्वीन जो थी वहाँ की, उन्होंने ट्रेड का एग्रीमेंट दे दिया था कि 15 साल कोई भी कंपनी जाके वहाँ पे ट्रेड कर सकती है, हमारे ईस्ट कंपनीज, ओके, ईस्ट एरिया में आके हमारी कोई भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। ईस्ट मतलब कि अपना केप ऑफ गुड होप से जो ईस्ट के पार्ट में हमारा जो पार्ट आता है वो ईस्ट कहलाता था उस समय। 16th इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया, ओके। ऑक्युपाई करने के साथ साथ दोस्तों ये हुआ कि अब ऑक्युपाई करने में दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे कि कैसे किसी कंट्री को ऑक्युपाई किया जाए। तो पहला हमारा कि उसकी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दें आप, ठीक है, और दूसरा उसके एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दें। तो अब बात ये उठती है कि भाई पहले बर्बाद कौन किया जाए, एग्रीकल्चर को बर्बाद करूं कि इंडस्ट्री को बर्बाद करूं। तो पता चला कि ना ना बाबा, पहले एग्रीकल्चर बर्बाद करो। इसलिए उन्होंने कैश क्रॉप ग्रो करना शुरू किया, कैश क्रॉप इन्होंने ग्रो कराना शुरू किया हमारे इंडिया में। इसके बाद ये जो कैश क्रॉप ग्रो होता था, मतलब ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता था, और ये रॉ मटेरियल जाती थी हमारे ब्रिटिश के इंडस्ट्री में, और ब्रिटिश के इंडस्ट्री में जाती थी, वहाँ फाइनल गुड्स तैयार होते थे, और फाइनल गुड्स जो हमारे तैयार होते थे बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था जो उनकी कॉलोनीज थी जैसे इंडिया में। तो हुआ क्या कि जो हमारा एग्रीकल्चर था यहाँ पे भी ये क्या करते थे कि जो कैश क्रॉप हुआ करता था इस पर नियरली 50% ये लोग कर लिया करते थे। 50% यहाँ पर टैक्सेशन हुआ करता था, 50% तो इंग्लिश के पास आ गया। उसके बाद ये पढ़े लिखे नहीं होते थे जो किसान हमारे इंडिया के, तो इनको काफ़ी एक्सप्लॉयड किया जाता था। इसके बाद क्या होता था दोस्तों, एक्सप्लॉयड करने के बाद इनके कैश क्रॉप को लेके गए इंग्लैंड में, और वहाँ पर इंडस्ट्री थी जो मशीन से हमारा गुड्स बनाती थी, और उस गुड्स को ये एक्सपोर्ट कर देते थे जो डेवलपिंग कंट्री थी जहाँ पर ये लोग अपना कॉलोनी बनाया हुआ था जैसे इंडिया। तो वहाँ का जो ट्रेड था, जो वहाँ की इंडस्ट्री थी, अब देखिए मशीन से आप कोई गुड्स बनाइए या हाथ से बनाइए, तो मशीन से बनाने में सस्ता पड़ता है लेकिन हाथ से बनाने में वो महंगा पड़ता है। इसलिए जो हमारी कॉलोनी थी जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्या हो गई हमारी, बर्बाद होनी शुरू हो गई। आर्टिसियन और हैंडीक्राफ्ट के जो वर्कर थे ये बेसिकली हमारा इंगेज होने लगे एग्रीकल्चर में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक रीजन, क्या क्या इकोनॉमिक रीजन थे। एक रीजन तो ये था, और इसको एक सिक्वेंस वाइज में देख लेते हैं, ओके। तो दोस्तों आप पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमने इकोनॉमी में लगाया है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन किया है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ओके। तो ब्रिटेन ने भी यही करा था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेट किया था हमारी इकोनॉमी को, ओके, इंडियन इकोनॉमी को। और बेसिकली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी किस पे डिपेंड हो रही थी, ब्रिटेन पे ही हो रही थी। और दूसरा पॉइंट जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हाँ ये एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को। यदि आप डाटा की बात करें तो 1935 से लेकर 1939 तक जो हमारा एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, वो बेसिकली जूट, कॉटन और टोबैको, आप देख लीजिए रॉ मटेरियल है हमारे। ये जो हमारा जीडीपी थी इंडिया की, उसमें 68% ये लोग एक्सपोर्ट होते थे, मतलब हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड में दोस्तों हमारा आता था शू, हमारा कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट जैसे हमारा शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता था कि जो भी ये लोग कर वसूलते थे हमारे इंग्लिश में, वो बहुत छोटा पार्ट, उस कर का बहुत छोटा पार्ट हमारा एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे खर्च करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारी एग्रीकल्चर भी ग्रो नहीं हो पाती थी और इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं हो पाती थी। और दोस्तों देखिए, आपको बताया कि ये जो हमारे अभी तक के जो रीज़न थे कि हाँ ये कैश क्रॉप लेके जाते थे, रॉ मटेरियल अपने कंट्री में लेके जाते थे, उसके बाद ये फिनिश गुड इंडिया में देते थे, इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ओके, इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हुआ कि बेसिकली हमारे जो इंग्लिश मैन थे, इन्होंने कोई टैरिफ प्रोडक्शन नहीं दिया था, कोई टैरिफ प्रोडक्शन नहीं था। दोस्तों टैरिफ प्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली कोई भी देश की इंडस्ट्री है, ओके, अब ये देश की इंडस्ट्री है, ये आप सोच लीजिए आप ही गरीब हैं, तो आप गरीब हैं तो आपको बेसिकली कुछ दिनों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए ताकि ग्रो कर सकें। हुआ क्या था कि जो वेस्टर्न की हमारी इंडस्ट्री थी ये काफ़ी वेल डेवलप थी, क्योंकि ये मैकेनाइज थी, ओके, मशीन था यहाँ पे। लेकिन जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री थी ये लेबर इंटेंसिव थी, और ये हैंडमेड बनाते थे चीज़ें, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिसियन ये लोग बनाते थे। तो यहाँ पे क्या था कि ये मैकेनाइज नहीं था,
यहाँ मशीन नहीं था, तो जो प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री में पैदा होगा ये महंगा होगा एज कम्पेयर टू जो मशीन से बन रही है। मशीन से बनाने में बल्क प्रोडक्शन होता है, बल्क प्रोडक्शन होने से क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्री थी इनको प्रोडक्शन चाहिए थी, प्रोडक्शन इन द सेंस कि अभी यदि हम करेंट एग्जांपल लेके बात करें तो चाइना से जो स्टील आ रहा है उस पर हमने हैवी ड्यूटी लगा दिया, टैरिफ ड्यूटी लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है स्टील की, यदि चाइना ने डंप कर दिया माल हमारे कंट्री में तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो जाएंगी। तो जो हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएंगी इसका मतलब इंडस्ट्री ने लोन तो लिया है ना, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल यदि आप देखें जो सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो वहां पे 1500 जो उनके बैंक थे वो बैंकरप्ट हो गए थे। तो यही होता है दोस्तों, यदि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा टैरिफ प्रोडक्शन था, कोई टैरिफ प्रोडक्शन ये दिए नहीं थे। इसलिए जब 1885 में हमारा कांग्रेस बनी थी तो वहां पर दादा भाई नौरोजी, ओके आरसी दत्त, ये लोग इसी की बात कर रहे थे कि नहीं टैरिफ प्रोटेक्शन आप नहीं दे रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री को, ये बर्बाद हो रही है, एग्रीकल्चर पे आप कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म चल रहा था जब ये मॉडरेट हमारे लीडर आए थे कांग्रेस में। ओके अब देखिए दोस्तों, आपकी आपने इकोनॉमी बनाई हुई है, आपने बल्क का प्रोडक्शन जो है बल्क आप मनी जो आप मिलिट्री पे खर्च कर दे रहे हैं। तो देखिए मिलिट्री पे खर्च करने से क्या होता है कि जब आप मिलिट्री पे खर्च करते हैं तो मिलिट्री इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, तो आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इससे आपके इंडस्ट्री का फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी आ रही थी मिलिट्री पे हैवी एक्सपेंडिचर को लेकर। ओके और ये बेसिकली क्या करते थे कि लैंड रेवेन्यू आपको बता दिया ना, लैंड रेवेन्यू पीछे लैंड रेवेन्यू ये बेसिकली 55% 75% ये लेते थे। ओके ये लैंड रेवेन्यू हमारे लैंड रेवेन्यू जो है हमारे 50% से 75% ये लिया करते थे। उसके बाद दोस्तों यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो देख सकते हैं कि हमारा कोई एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, और उसका यदि आपको एग्जांपल बताएं कि हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तो आप देख सकते हैं कि 1951 में हमारा 95% जो प्लाव थे वो हमारे बने हुए थे लकड़ी से। अब आप यही देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों, ये आयरन रेवोल्यूशन 1000 BCE में हो गया था, लेकिन यहाँ तक कि प्लाव जो हमारे हल होते हैं जोतने के लिए वो भी हमारे उसके नहीं बने हुए थे आयरन के, वो बेसिकली किसके बने हुए थे, वुड के बने हुए थे, वुडन थे, ओके लकड़ी के बने हुए थे, और 5% प्लाव ही केवल आयरन के थे। सोचिए कितना मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारे एग्रीकल्चर में। इसी तरह से जब चाइना ने 1978 में अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, अभी आगे आएगा, तो उसने पहला प्रायोरिटी दिया कि हमको एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है ताकि हम अपने यील्ड को बढ़ा सके और इसको एक्सपोर्ट कर सके दुनिया में। इससे क्या हुआ, उनके पास पैसा बच गया और उन्होंने इंडस्ट्री में पैसा लगाया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो इनके पास फर्टिलाइजर थे वो काउ डंग थे, ओके मतलब कि गोबर थी उससे फर्टिलाइजर यूज करते थे, कोई इनको पेस्टिसाइड्स कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनको नहीं दिया जाता था, और साथ में सीड्स जो थी इनकी लोअर वेराइटी की थी। अब देखिए, और जो लैंड था दोस्तों, जो लैंड आप देख सकते हैं लैंड इनका छोटे छोटे एरिया में था। अब कहोगे कि यार लैंड छोटे छोटे एरिया में होने से क्या प्रॉब्लम होती है, दोस्तों जैसे ही लैंड हमारा छोटे छोटे एरिया में फ्रेगमेंटेड होता है तो अन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि आपका एक जगह पे एक खेत है, दूसरे जगह पे एक खेत है, तीसरे जगह पे एक खेत है, तो आप यहाँ भी ट्यूबवेल लगाएंगे, यहाँ भी ट्यूबवेल लगाएंगे, यहाँ भी ट्यूबवेल लगाएंगे, तो तीन जगह आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी तो उतना ही आ रही है। हो सकता है एक ही जगह आपका पूरा लैंड हो और वहाँ पे एक ही ट्यूबवेल लगा दे तो वहाँ काम निकल जाए आपका। तो कभी भी स्मॉल फ्रंटेशन ऑफ लैंड इज नॉट गोइंग टू प्रॉफिट द इकोनॉमी, इज गोइंग टू बी लॉस इन द इकोनॉमी। ओके अब देखिए, जब वो भाई जब हमारा फिनिश गुड आ गया था, फिनिश गुड अब आ रहा था हमारे इंडस्ट्रियल कंट्री से, तो होगा क्या, जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ओके और जो हमारे यहाँ आर्टिसियन है, ये तो आप बेरोजगार हो गए, क्योंकि भाई जो हैंडीक्राफ्ट ने कपड़ा ये 500 रुपए का बना रहे हैं, अब ये कपड़ा 100 रुपए का मिल रहा है, तो हम पब्लिक क्या है, हम पब्लिक क्या करेंगे भैया, नहीं ऐसा है कि हम यही 100 रुपए वाला ही खरीदेंगे, चाइनीज मोबाइल ही खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है और ज़्यादा वैरायटी आती है। तो इस तरह की हमारी मेंटालिटी हम पब्लिक में रहती ही रहती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस तरह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसियन थे ये बेरोजगार हो गए। अब जब ये बेरोजगार हो गए तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये एग्रीकल्चर पे हमारे मूव कर गए, खेती करने लगे। ठीक है, अब ये खेती करने लगे,
और जो देखिए अब बेसिकली जो इंडिया थी ये तो हमारी डेवलपिंग कंट्री क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी उस समय पे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारा हैवी और जो कैपिटल इंटेंसिव गुड हुआ करता था ये हम इंपोर्ट कराते थे इंग्लैंड से, ठीक है। इसीलिए हम पहले बताया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश पे हैवीली डिपेंडेंट थी। ओके, अब देखिए दोस्तों एजुकेशन सिस्टम में हमारा क्या हो जाएगा कि बेसिकली क्या होता था कि कुछ पैसा ये लोग जो कमाते थे वो एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करते थे। एजुकेशन सिस्टम पे क्या खर्च करते थे बेसिकली कि ये लोगों ने बोला कि एजुकेशन सिस्टम को लगाना है। पहली बात तो ये जानिए कि यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे ना ये जाने वाले थे ही नहीं, इनको लग रहा था कि हम यहाँ बसे ही रह जाएंगे, इंडिया हमको आपको भगा नहीं सकता, ऐसा लगने भी लगा था। ओके, तब एजुकेशन सिस्टम इन्होंने इवॉल्व किया और उसका बेसिक सोर्स किस माध्यम में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए उन्होंने लगाया इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए लगाया कि जो हमारे लोअर वर्कर्स हैं जैसे क्लर्क हो गया, मतलब कि सी क्लास और डी क्लास के जो वर्कर्स हैं इस समय के जो इंडिया में वही वर्कर आप समझ लीजिए कि उस तरह के वर्कर बनाने के लिए इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लगाया, ठीक है। और देखिए कोई भी यदि आप भाषा आप किसी कंट्री में बोलते हैं या कुछ करते हैं जिसे हम यूएस का डॉलर की बात करते हैं या यूएस के जैसे कपड़े होते हैं या जो कल्चर होता है हम अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को, जैसे मैकडोनाइजेशन, जो मैकडी का हम बर्गर खाते हैं, केएफसी हर जगह जा चुका है और सुपरमैन आयरन मैन ये हर जगह फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं। और ये जो लोग पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सॉफ्ट कॉलोनलिज्म बोलते हैं इसको, सॉफ्ट पावर बोलते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता, इसके लिए आपको मिलिट्री नहीं लगानी पड़ती कि नहीं मेरे कपड़े पहनो, नहीं मेरा खाना खाओ, नहीं मेरा ये करो, नहीं। इसमें ये होता है कि सॉफ्ट होता है ये सॉफ्ट कल्चरल बोलते हैं। इसी तरह से यदि बात करें इसी सॉफ्ट कॉलोनलिज्म या सॉफ्ट कनकर जो करना होता है तो अशोका ने किया गया था, जब कलिंगा में अपने वार जीता था ना तो उसने वार की पॉलिसी छोड़ दी, उसने बोला नहीं अब हम धम्मा लगाएंगे, धम्मा की नीति, और उसने अपने लड़कों को भेज दिया श्रीलंका और बहुत सारे प्रोपगेटर जो हमारे बुद्धिज्म के थे उसने बहुत अलग अलग जगह पे भेज दिया ताकि हम कल्चरल इन्वेजन कर सकें, सॉफ्ट कॉलोनलिज्म या कल्चरल इन्वेजन कर सकें। कल्चरल इन्वेजन मतलब ये होता है दोस्तों कि बेसिकली किसी के कल्चर पे ही हाथ मार देना। तो देखो ना आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो किसमें पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो ये उन्हीं की देन, ये कल्चरल इन्वेजन बोलते हैं इसको। ओके, और जो हमारा हायर एजुकेशन था बेसिकली इंग्लिश मीडियम में ही होगा और इसने देखिए तीन प्रॉब्लम क्रिएट किया जब एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लगाया तो इन्होंने देखा कि जो हमारे मास है, मास मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं ये इंग्लिश से डरते थे, पहले भी डरते थे आज भी डरते हैं, तो एजुकेशन जो मासेज हैं इनसे दूर चली गई। ओके, उसके बाद इन्होंने क्लास में क्रिएट कर दिया अपर क्लास और मीडियम एजुकेटेड क्लास, इंग्लिश बोलता था लेकिन लोअर क्लास क्या बोलेगा हमारा, हिंदी बोलता था। उसी तरह से इन्होंने जो हमारी लैंग्वेज थी वो हिंदी पे काफी कम फोकस किया था, तो ये हमारी रीजन हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर नेशनल मूवमेंट हुआ, आपको ये सब मिलेगा मॉडर्न इंडिया में, नेशनल मूवमेंट हुआ 1885 में हमारे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। अभी आपको बताया कि जो मॉडर्न लीडर हमारे दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त थे, इन्होंने एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में काफ़ी बातें बोली है आपको। इसके बाद देखिए जब बेसिकली इसके पहले क्या हुआ था ना कि 1885 में जब हमारी कांग्रेस बनी थी तो वहाँ पे जो हमारा मास था वो बेसिकली पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था और पार्ट टाइम में जॉब करता था। जैसे कि इस समय की जो नई क्रिकेट टीम है आयरलैंड और ये सब जो क्रिकेट टीमें हैं इनके प्लेयर क्या करते हैं कि पार्ट टाइम में खेलते हैं और पार्ट टाइम में जॉब करते हैं। इसी तरह से हमारा जो 1885 तक क्या हुआ था कि हमारे जो हाईली एजुकेटेड पीपल जो थे हमारे और इंटेलेक्चुअल अपर कास्ट, ओके, व्हाइट कॉलर पीपल बोल सकते हैं आप, व्हाइट कॉलर पीपल, ये लोग हमारे थे कांग्रेस सिस्टम में। लेकिन जैसे गांधी जी आए और 1990 के बाद हमारा मास मूवमेंट जो था वाइडन हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुई थी, मास मूवमेंट हमारा वाइडन हो गया था और नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी कि हाँ देश बनाना है, देश एक देश बनाना है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा फ्रीडम मिल गया 1947 में, फ्रीडम मिल गया हमारा 1947 में। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ यदि हम देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, तो वो है दोस्तों हमारा नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ था कि बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे फॉर्म करने के लिए, तो नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट में 19 पॉइंट थे जिसमें 10 पॉइंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब पार्लियामेंट्री सिस्टम लगाना चाहिए, बोला कि ठीक है। अब बोला पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लगाओगे, क्योंकि भाई ब्रिटिश आप रूल कर रहे हो 100-150 सालों से, तो इस सिस्टम से हमारी जो जनता है जानती है चीज़ों को, इसलिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम लगाएंगे। दूसरा बोला कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट बनाओ, रिजर्वेशन मत दो एससी, रिजर्वेशन दो एससी एसटी को, ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो, मतलब कि भाई एससी एसटी भी होंगे, अपर कास्ट भी होगा, मिडिल क्लास भी होगा, सब मिलकर काम करेंगे, और ये नहीं कि एसटी एसटी के लिए अलग इलेक्टोरेट बना दो कि उसके अंदर से लोग चुने, नहीं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये भी आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन था कि आप कोई भी किसी भगवान को मान सकते हैं, पूछ सकते हैं, कर सकते हैं उसके साथ। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद इक्वल राइट टू मेन एंड वीमेन, मेन और वीमेन को इक्वल राइट दिए गए हैं, और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये हमारे जो 7-8 पॉइंट थे ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए भी गए हैं। बेसिकली कहाँ से आया हमारा, नेहरू रिपोर्ट से आएगा। और नेहरू रिपोर्ट के बाद उन्होंने फॉर्म किया था साइमन कमीशन, जो मॉडर्न इंडिया आप पढ़ेंगे। उस साइमन कमीशन के बाद सीधे हमारा हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, और 1947 में हमारा इंडिया आजाद हो गया था। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा दोस्तों, कि हमारा बेसिक रीजन किसी भी कंट्री को पीछे जाने का है, दो रीजन है, यदि एग्रीकल्चर उसका मॉडर्नाइज नहीं है और इंडस्ट्री उसकी बैकवर्ड है। ठीक है, यदि इंडस्ट्री बैकवर्ड होगी तो भाई साहब ये एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं है तो रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्री को नहीं जाएगा, और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री हमारी काम नहीं कर सकती। तो ये सारे हमारे रीजंस थे, जो एक मतलब ब्रीफ रीजन था जिसकी वजह से हम ये हमारा बेस बनाया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना कैसे पार्टीशन हुआ और कैसे हमने अपनी कंट्री को यूनाइट किया दूसरे लेक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ तो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।